काफी समय के बाद अजय देवगन यहाँ पे एक रोमांटिक पिक्चर करने वाले हैं जिसका नाम है औरों में कहां दम था, जिसका ट्रेलर जस्ट अभी यहाँ पे जो है ड्रॉप किया गया है। लेकिन क्या ये सही समय है रोमांटिक पिक्चर को लेकर आने का, या अभी पूरी सिनेमा यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से एक्शन मूवीज के ऊपर, मारधाड़ मूवीज के ऊपर यहाँ पे जो है जा रही है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पे जो है अजय देवगन लेकर आते हैं तबू के साथ एक काफी ज्यादा कमाल की खूबसूरत दिखने वाली पिक्चर औरों में कहां दम था। तो क्या ये चल पाएगी, क्या इसका ट्रेलर यहाँ पे जो है इतना पावरफुल था कि ये आप लोगों को यहाँ पे जो है सिनेमाघरों तक लेके जा सके। चलो मैं इसके बारे में बात करते हैं एंड इस ट्रेलर के अंदर यहाँ पे जो है क्या सीन है, स्टोरी क्या है, चलो आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के लिए यहां पे इस ट्रेलर के म्यूजिक के बारे में, बिकॉज इस ट्रेलर को रिलीज करने से पहले ही यहाँ पे जो है बता दिया गया था कि ये मूवी यहाँ पे जो है एक म्यूजिकल जर्नी होने वाली है। मतलब इस मूवी के अंदर डेफिनेटली अपने को यहाँ पे काफी सारे गाने देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये लव स्टोरी है, ऑब्वियसली बात है काफी सारे गाने तो उसके अंदर यहाँ पे जो है आने ही वाले थे। गाइस जितना भी यहाँ पे जो है ट्रेलर के अंदर आप लोगों ने गानों को सुना होगा तो वो काफी खूबसूरत से गाने अपने को यहाँ पे जो है डेफिनेटली सुनने को मिल रहे हैं। तो स्टोरी क्या है, इन्होंने यहाँ पे जो है काफी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अपनी मेन स्टोरी का प्लॉट को यहाँ पे जो है हाइड करके रखा है एंड जो नॉर्मल तरीके से बताने की जरूरत थी वो इन लोगों ने यहाँ पे जो है बताया। तो काफी स्मार्ट कट ट्रेलर जो होता है वो अपने सामने यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे स्टोरी में बताया गया कि एक लड़का लड़की आपस में यहाँ पे जो है प्यार करते हैं, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे जो है कुछ ऐसा होता है कि लड़का यहाँ पे जो है दो मर्डर कर देता है एंड मर्डर करने के बाद सीधा उसको यहाँ पे जो है जेल हो जाती है एंड वो लड़का कोई और नहीं बल्कि दोस्तों अजय देवगन होता है, वो लड़की यहाँ पे जो है तब्बू होने वाली है। अब ऑब्वियसली बात है 23 साल तक यहाँ पे जो है वो जेल में रहेगा, तो लड़की की तो दूसरी शादी यहाँ पे हो ही जाएगी ना। और जेल में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत रहे भाई, जेल के अंदर भी यहाँ पे जो है लफड़े वो लगातार कर ही रहा है, लेकिन वो काफी सही आदमी है। इस बात का यहाँ पे जो है तब पता चलता है जब यहाँ पे जो जेलर होता है तब वो बोलता है कि भाई तुम्हारी सजा यहाँ पे जो है खत्म होने वाली है, बट खुद यहाँ पे जो अजय देवगन वो चाहता है कि उसकी सजा यहाँ पे जो है इतनी जल्दी खत्म ना हो। अब वो क्यों है वो तो मूवी के प्लॉट के अंदर अपने को यहाँ पे जो है डेफिनेटली पता चलेगा। जब वो बाहर निकलता है जेल से तो सबसे पहला काम उसका यहाँ पे जो है तब्बू से मिलने का ही होता है। जब वो आपस में मिलते हैं तब अपने को यहाँ पे जो है जिमी शेरगिल की एंट्री दिखाई जाती है, जो मुझे लगता है जहां तक कि वो तब्बू के पति ही होने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज 23 साल ऑलरेडी यहाँ पे जो है इस बीच में यहाँ पे हो गए थे, तो ऑब्वियसली बात तब्बू ने यहाँ पे जो है शादी तो कर ही ली होगी, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है वो प्यार तब्बू का अजय देवगन के लिए काफी आसानी से अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। शेरो शायरी हो रही है, डायलॉग्स यहाँ पे जो है काफी हेवी बाजी यहाँ पे होने वाली, बिकॉज ये मूवी आप लोगों को यहाँ पे जो है एक्शन के दम पर नहीं बेचने वाली, ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे जो इमोशंस ड्रामा एंड कंप्लीट तरीके से एक लव स्टोरी जो होती है उसके ऊपर यहाँ पे बेचेगी। एंड ऑफकोर्स आप लोगों को तो बताइए कि जब भी यहाँ पे जो है अजय देवगन एंड तब्बू की जोड़ी होती है तो वो मूवी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ब्लॉकबस्टर हो ही जाती है। तो वैसे ही कुछ इस बार भी अपने को यहाँ पे जो है डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, काफी सूदिंग सी फ्रेंडली टाइप की मूवी होगी। आई होप कि लोगों को यहाँ पे जो है ये पसंद आए, बिकॉज अभी जो कंप्लीट जमाना है वो चेंज हो रहा है एक्शन की तरफ यहाँ पे, तो इस बीच में इस तरह की मूवी लाना है शायद यहाँ पे जो है वर्क करे। लाइक अजय देवगन की पहले वाली मूवी जो होती है वो भी थोड़ी सी यहाँ पे जो है वर्क नहीं करी, इससे पहले जो सॉकर के ऊपर मूवी आई थी मैदान, लेकिन लेट्स सी गाइस ये मूवी यहाँ पे जो है किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ऐसा कोई इंपैक्ट जो होता है वो ट्रेलर ने मेरे पे नहीं छोड़ा है, लेकिन ये काफी नॉर्मल सा ट्रेलर था, ठीक है, ज्यादा हैवी भी नहीं था लेकिन ज्यादा बुरा भी नहीं था। तो आप लोग मुझे कमेंट करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो है कैसा लगा, इसके अलावा कुछ आएगा मैं खुद जरूर जरूर बताऊंगा। तो प्लीज मेक श्योर फटाफट जाओ लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब कर दो।